गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? सब कुछ अच्छा चल रहा है? उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। सुबह के 5 बजे हैं और आपकी क्लास शुरू हो चुकी है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि सुबह सुबह आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेकर के हम आते हैं, क्लास 10th के लिए, स्पेशली बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए। चाहे वो यूपी बोर्ड का बच्चा है, चाहे सीबीएसई बोर्ड का है, दिल्ली बोर्ड का, किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट है, सबके लिए है ये मास्टर क्लास। क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा नीचे एक्सरसाइज है बेटा, ये आपका 5.3 और ये कल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर हम लोग आज करेंगे 11, 10 क्वेश्चन तक पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था, आपने देखा बहुत अच्छे से समझ में सबको आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग अपनी बुक में खोल लो, एनसीईआरटी में। अगर आपके पास एनसीईआरटी किताब है तो पेज नंबर 125 है। कितना? पेज नंबर 125। क्वेश्चन स्क्रीन पे है, देखिए। कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग 4n का स्क्वायर 4n माइनस एन का स्क्वायर है। क्वेश्चन फिर से पढ़ना। कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम एन पदों का जो योग है वो 4n माइनस एन का स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 क्या है? अभी मैं बताऊंगा s1 के बारे में, ठीक है। प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार 10वें और 90वें पद ज्ञात कीजिए। कुल मिला के इनको पदों की मतलब पद निकालना है बस, यानी सारे फैक्टर अगर आपको मिल जाएं, जैसे a मिल जाए, n मिल जाए, जो है इसमें सब मिल जाए, an मिल जाए, तो आपको सारे पद निकालना बहुत आसान हो जाएगा, d भी मिल जाएगा। पहले तो आप लोग कन्फ्यूज होंगे ये s1 क्या है ना। कह रहा प्रथम पद अर्थात s1 क्या है। आप लोग कहोगे कि गुरु जी तो प्रथम पद तो a1 होता है, तो फिर s1 कैसे बोल रहा है? एक एग्जाम्पल से पहले ये समझ लो कि a1 और s1 दोनों एक कैसे हैं। ये दोनों एक ही है कैसे? एक एग्जाम्पल से पहले आपको मैं समझाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे दिखाऊंगा। जरा यहाँ से समझो, स्क्रीन पे आओ सभी, ध्यान से देखो। जैसे मान लो कि मैंने एक सीरीज आपको दिया, वो सीरीज मान लो कि है 8, 12, 16 डॉट डॉट डॉट, ये एक सीरीज है। अब आप इसमें देखो अगर ध्यान से, तो आपका ये A1 है ना, ये पहला पद है, A2 है, ये A3 है, बोलो है ना। अगर मैं कहूँ कि इसके प्रथम दो पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो क्या कहोगे बताओ, बोलो। अगर पहले दो पद का योगफल बोलेंगे तो बेटा S2 बराबर आप A1 प्लस A2 करोगे ना, बोलो करोगे ना। अगर मैं कहूं कि पहले एक पद का योगफल ज्ञात कीजिए, तो पहले एक पद का योगफल बराबर A1 होगा कि नहीं होगा? होगा ना, पहले एक पद का मतलब तो एक ही पद अकेले है ना। अगर मैं कहूं पहले तीन पद का योगफल ज्ञात कीजिए, तो आप क्या लिखोगे? तो भैया आप लिखोगे S3 इक्वल A1 धन A2 धन A3, समझ में आया ना। तो इस तरह से बेटा जो S1 है वो A1 ही है, मतलब दोनों बराबर हैं। क्लियर? कोई डाउट किसी को तो बताना, नहीं कोई डाउट नहीं ना, चलो ठीक है। तो अब आपके मन से ये आशंका दूर हो गई कि S1 और A1 दोनों एक कैसे हैं। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, हमें जो दिया है हम उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आप ध्यान देना भाई, पंकज आपका कमेंट आ रहा है, नव्य आपका भी कमेंट आ रहा, मोहित, प्रियांशु, प्रिया सिंह, अर्जुन चौहान, लक्ष्य, विनीता, और कौन है, वर्तिका चौहान, सुरेंद्र, मनोज, वर्तिका, ये दूसरी नंबर की वर्तिका है। हाँ हाँ बबली, तुम्हारा भी कमेंट आ रहा। देखो कमेंट के पीछे ना पढ़ो यार, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं कमेंट नहीं देखूंगा, अच्छे से पढ़ो, नहीं समझ में आएगा क्लास खत्म होगी तो बता देना। ये क्लास डेली सुबह होती है, सुबह कितना बजे से पता है आपको? ये क्लास डेली सुबह होती है, सुबह 5 बजे से। आपको सुबह 5 बजे वीडियो मिल जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा जो टाइम लिखा गया था वो इंग्लिश की क्लास का टाइम है, इसलिए आपको हो सकता है थोड़ा सा अलग टाइम दिख रहा हो अभी तक स्क्रीन पे। चलो तो अब हम इसके सलूशन पे चलते हैं। देखिए हमें दिया है, हिंदी मीडियम वाले लिख लो दिया है, इंग्लिश वाले लिख लो गिवन। तो बेटा S n इक्वल दिया है कि 4n माइनस n का स्क्वायर है, ये दिया है। अब ध्यान देना, यहाँ पर n बराबर एक रखिए, n बराबर एक रखने पर देखना क्या क्या होता है। जब n बराबर एक रखेंगे बेटा तो S1 बराबर 4 × 1 - 1 का स्क्वायर,
यानी ये 4-1, कहने का मतलब कि जो यस वन आएगा बच्चा वो 3 आएगा, क्या आएगा, यस वन 3 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर यस वन 3 है इसका मतलब ए वन भी 3 है, यानी पहला पद 3 है। ठीक है, अभी इसको फिलहाल साइड में रख लो, अभी इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ये ए वन है, यानी हमें इतना मिल गया, बहुत ही पुख्ता सबूत मिले हैं। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ ऐसे समझते जाओ, यस टू निकालेंगे, एन बराबर 2 रखने पर, समझना हमें क्या निकालना है, हमें तो दसवां पद निकालना है कह रहा था क्वेश्चन। एक बार फिर से देखो स्क्रीन पे नीचे दिख रहा है, हमें दसवां पद निकालना है, एनवां पद निकालना है, प्रथम दो पदों का योग भी निकालना है, पहला पद भी निकालना है। तो पहला पद तो आ गया, प्रथम दो पदों का योग तब निकलेगा जब हमें दोनों पद मालूम होंगे तब। तो 2 रख के देखो, 2 रखेंगे भैया, इसमें देखो ध्यान देना, 4 × 2 और -2 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है, वो क्या है पता है आपको? वो ध्यान देने वाली बात ये है कि पहले तो आप सूत्र लिखो तो मैं आपको समझाता हूँ। पहले आप सूत्र लिखो, ये सब बाद में रखना, ध्यान दो पहले। अगर हम इस फार्मूले पे बात करें, यस एन बराबर 4n - n का स्क्वायर, ये दिया है फिलहाल, फार्मूला समझो कुछ भी समझो। तो देखो बच्चा, यहाँ से एक चीज़ आप समझते चलो कि अगर हम 2 निकालेंगे, 2 जैसे यस 2 अगर मैं बोलूँ, ध्यान देना, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ तो 2 हो जाएगा। आप कहोगे अभी तो यही रखे थे, मिटा दिए काहे लिए, बता रहा हूँ यस 2 अगर हम निकालें, जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में चर्चा किया था, आपने देखा होगा, तो भैया यस 2 की जगह पे बेटा हम ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, a1 + a2, बताना, नहीं लिख सकता हूँ बता देना, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ भाई? अगर दो पदों का योगफल निकालेंगे, प्रथम दो पदों का योगफल, तो पहला दूसरा पद जोड़ के कर सकते हैं ना, और हमें पहला पद का मान 3 दिया है, तो ये रख देंगे, ये घटाएंगे 4 आएगा। यहाँ से आपका क्या समझ में आ रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है फिर चला जाता है, आप ध्यान देना, ये 3 इधर जाएगा बेटा तो माइनस में हो जाएगा, तो आपका a2 = 1 आएगा। अब ध्यान देना, पहला पद हमें मिल गया, दूसरा पद मिल गया, तीसरा पद हम अपने आराम से, अपने से मतलब प्यार से निकाल सकते हैं, इसमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे, ध्यान दीजिए, इसे लिख लीजिए, इतना पहले इतना करेंगे जो मैं बताया था स्टार्टिंग में, समझाया था, उसको करने के बाद इतना करेंगे, फिर इतना करेंगे, फिर नीचे आप लिखेंगे, अतः श्रेणी बराबर, श्रेणी क्या बन रही है भैया? देखो पहला पद 3 आया बाबू, हाँ, उसके बाद अगला पद 1 आया है। आप यहाँ से ध्यान दो, अगर श्रेणी बन रही थी 2-2 घट रहा है, तो अगर 3 से 2 घटाया तो 1 आया, 1 से 2 घटाओगे बेटा तो -1 आएगा, घटा के देख लो, 1 से अगर 2 घटाओगे ऐसे तो -1 आएगा, और -1 से जब फिर से -2 घटाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, और कितना घटाना है, 2 घटाना है, प्लस का 2 घटाना है, तो -3 आएगा, यानी ये कम होता जा रहा है, ध्यान देना, -3 आया, फिर -5 आएगा, ऐसे ऐसे क्या बनेगी, एक सीरीज बन जाएगी। लेकिन हमें करना क्या था, कह रहा था क्वेश्चन एक बार फिर से देखो, इतना करने के बाद क्वेश्चन को बार बार देखते चलिए, फिर से देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है, बाकी चीज़ें बाद में देख लेना। क्वेश्चन देखो, कह रहा यदि किसी ए पी के प्रथम एन पदों का योगफल 4n - n का स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद अर्थात यस वन क्या है, वो मैंने निकाल दिया, देख लो 3 है। ठीक है, आगे कह रहा है कि प्रथम दो पदों का योग ज्ञात कीजिए, बड़े प्यार से कर लो प्रथम दो पदों का योग, ये मिल गया है, हाँ 4 हो जाएगा, अभी दिखा देता हूँ। इसी प्रकार कह रहा है कि 10वें और 9वें पद का योग ज्ञात कीजिए, चलिए वो भी कर देता हूँ, इमेज में हटा रहा हूँ, समझो। अब लिखो आप लोग, आता है यस टू बराबर, इतना कर लो फिर मैं मिटा रहा हूँ, ध्यान से समझो, पहले ये लिखना यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखना, फिर ये श्रेणी लिखना, और फिर ये जो मैं लिखने चल रहा हूँ इसको लिखना। देखो बेटा, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा, हमारी पूरी जिम्मेदारी है, नहीं पढ़ोगे नहीं समझोगे तो फिर आप अपने भविष्य के निर्माता खुद ही हो। ठीक है, चलो, आता है
एस टू बराबर ए वन धन ए टू, तो बेटा ए वन तीन आया था, ए टू वन आया था, इक्वल फोर आ गया, यानी जो एस टू आया वो क्या आया, चार आ गया। और क्या कह रहा था, कह रहा था कि दसवें पद का योगफल ज्ञात कीजिए, पूछ रहा था ना। हाँ तो चलो वो भी निकाल लेते हैं, कितना हो गया। चलिए देखिए, अगर आप हमारे साथ पढ़ेंगे, साथ साथ में लिखते चलेंगे, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। स्क्रीनशॉट ले लिया करिए बस, जैसे स्टेप बाय स्टेप पूरा हो जाए वैसे आप स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे तो मैं सब बताता हूँ कि ये कौन सा स्टेप है, ये कौन सा स्टेप है, फिर भी आप लोग करा करो। हाँ चलो, अब ए टेन निकालेंगे बेटा। क्या कह रहा था, इसके दसवें और यनवें पद का योगफल ज्ञात कीजिए, तो लिखो अतः ए टेन इक्वल, आपको पता है ये सूत्र होता है ना भैया, यहाँ फार्मूला देखना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बचपन से ये सूत्र पढ़ते आए हो ना, तो इसी सूत्र पे आप लोग आगे बढ़ोगे। यहाँ पे मैं ये फार्मूले रख देता हूँ सीधा सीधा, पहले ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन की जगह पे दस रख देंगे तो ए टेन हो जाएगा। यहाँ पर बेटा ध्यान देना, प्रथम पद जो ए का मान आया था अभी क्या आया था, तीन आया था ना, तीन आया था, रखो एन का मान दस रख रहे हैं, ठीक है। डी का मान, डी का मान दो आया था, आप सबको पता है वो भी माइनस में दो आया था, क्यों उल्टा जा रहा था तो माइनस में दो आया था ना, है ना भैया, तो माइनस में दो आया था, तो ये तीन धन ये नौ और दो मल्टीपल करोगे माइनस का अठारह, क्लियर। तो ये माइनस का पंद्रह आ जाएगा, आपको पता है जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस हो जाएगा, तो यानी जो ए टेन है वो पंद्रह आ गया, ये भी तो आपसे पूछा था ना। अब सिर्फ एक बचा है, ध्यान देना सिर्फ एक बचा है बेटा, स्क्रीन पे एक बार क्वेश्चन पे फिर से आ जाओ, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो, कुछ सेकंड में फिर से हटा दूंगा। क्वेश्चन कह रहा था, देखो नीचे लाइन में, इसके इसी प्रकार तीसरे दसवें और यनवें पद ज्ञात कीजिए। तो तीसरा पद तो मैंने निकाल ही दिया था, अभी तुमने देखा था सीरीज में, पहला पद तीन आया था, दूसरा पद वन आया था, हाँ मतलब दो दो घट रहा है ना, माइनस दो हो रहा है ना। अगला पद क्या आया था भाई, वन आया था, वन से जो माइनस दो घटाओगे तो क्या आएगा, घटा के देख लो, घटा के देख लो, हाँ माइनस वन आया था ना, ठीक है। तो ऐसे आपका दसवां आ गया, अब अगला निकाल लो, अगला जिनको श्रेणी के बारे में कन्फ्यूजन है उन्हें मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, इधर ध्यान दो आप लोग। देखो बच्चा, जैसे आप सबको पता है कि अभी मैंने पहला पद निकाला था, वो सबने देखा था, पहला पद तीन आया था, ए वन का मान ना, एस वन ए वन देखे थे ना शुरू में, उसके बाद अगला पद बेटा वन आया था ना। अब इसके अगला पद कैसे निकालेंगे, पता है आपको, जो प्रथम पद होता है यानी तीन, उसमें जो सर्वांतर होता है उसको जोड़ दिया जाता है, तो वन से थ्री घटाओगे, जो सर्वांतर निकालोगे आप डी का मान जो शुरू से पढ़ते आए हो, तो बेटा माइनस का दो आएगा, तो इसमें जब माइनस का दो हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आपको पता है, पता है कि नहीं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है, हमें वन तो दिया है ना, इसके आगे वाला पद निकालना है, तो हम जो जोड़ेंगे वन में जोड़ेंगे, ठीक है। अब इस तरह से वन माइनस टू होगा माइनस वन, यानी हमारा अगला पद माइनस वन आएगा। इसके अगला पद भी निकालना है तो, लेकिन हमसे तीसरा पद ही पूछा था, स्क्रीन पे देखो लिखा है ना तीसरा पद, तो तीसरा पद माइनस वन, अगला पद भी निकालना है तो माइनस वन में क्या करोगे, माइनस वन में आप अगला जोड़ोगे क्या, माइनस का दो, तो माइनस वन और माइनस दो बराबर माइनस तीन आएगा, तो चौथा पद भी बोलेगा तो चौथा पद माइनस तीन क्या आएगा, चौथा पद माइनस तीन, पांचवा पद बोलेगा इसमें से फिर माइनस दो आप जोड़ दो, घटता चला जाएगा, ठीक है। चलो अब लास्ट वाला ए एन निकाल लो इसी जगह पे, मैं अभी हट जाता हूँ दो सेकंड, आप स्क्रीनशॉट ले लो लेना चाहो, चलो इसको फट से हो गया, चलो ठीक है। अब देखो इसमें हम ए एन का मान निकाल देंगे, थोड़ा सा आपको समझाने में हमें पता है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी है, इस बात को भी आपके दिमाग में ख्याल रहना चाहिए कि क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा अलझाया हुआ क्वेश्चन है। चलो आप क्या करना है, अब इसमें कह रहा था इसी प्रकार यनवें पद ज्ञात कीजिए, यनवें पद आपको निकालना है, ध्यान देना
क्वेश्चन देख लो ध्यान से फिर से। चलो लिखो, एन वे पद निकालो, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमें ए एन का मान देखो बेटा दिया था क्या? नहीं, ए एन का मान हमें नहीं दिया था। मैं क्वेश्चन हटा देता हूँ, स्क्रीन से डिस्टर्ब कर रहा है। ए एन का मान हमें नहीं दिया था, हमें यही निकालना है। ए का मान तीन आया था, एन का मान आपको पता है कि दिया है क्या? नहीं दिया, हमें यनवा पद ही तो निकालना है। एन का मान हमें कहीं नहीं दिया यहाँ पर। टी का मान दिया था माइनस का दो, इतने में कोई डाउट नहीं। तो तीन प्लस इसका गुणा करोगे इसमें तो माइनस का दो एन आएगा। कोई किसी को संदेह है तो बता दो। इसमें मल्टीपल करोगे माइनस का दो एन आएगा और ये प्लस का दो आएगा। ब्रेकेट खुलेगा तो ये पाँच हो जाएगा बेटा, और माइनस का दो एन यानी ए एन का जो मान है वो फाइव माइनस टू एन आएगा। इसमें किसी को कोई संदेह है तो बता दीजिए। फिलहाल ये वीडियो यहीं पे एंड हो जाएगा, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपके मन में कोई डाउट बच रहा है तो आप बताइए, अगर आप कहें तो हम अगला क्वेश्चन भी बता दें, लेकिन आप लोग ज़्यादा बड़ी क्लास देखते नहीं हो, ठीक है? तो फिलहाल आप इस क्लास को देखो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। क्लास का टाइम सुबह 5 बजे, अगर ये बच्चे हज़ारों में आ जाए ना तो देखो मैं 2 घंटे पढ़ा दूँ, लेकिन बच्चे आप लोग नहीं लाते हो। क्लियर, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू, क्लास को लाइक और शेयर करके जाना बाबू, जिससे अगली क्लास टाइम से मिले। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं राजकुमार आपकी हाई स्कूल की मैथमेटिक्स के साथ। छात्रों, जैसा कि आपको पता है बोर्ड के अभ्यर्थी बहुत तेज़ी के साथ तैयारी कर रहे हैं जोरों शोरों से, तो आपका जो 5वां चैप्टर है जिसका नाम है AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, ये चैप्टर चल रहा था जो कि आज इंड हो गया है। इसमें के कुछ क्वेश्चन बचे हैं, एक आध दो। पिछली क्लास में मैंने 18 क्वेश्चन तक करवा दिए थे 18 नंबर तक, लेकिन उसमें से मैंने 12, 13, 14 होमवर्क छोड़ा था, जिसमें से कुछ बच्चों की आपत्ति है कि सर क्वेश्चन नंबर आप 12 बता दीजिए और 14 बता दीजिए, 13 तो मान लीजिए कर लेंगे। तो ठीक है, मैं बच्चों की मांग को देखते हुए क्वेश्चन नंबर 12 और 14 करवा देता हूँ, आप इसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 और 14, ठीक है? 5.3 ऊपर देखो आप, दिख रहा है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी आ गया है। क्वेश्चन कहता है बच्चा कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। भैया पूर्णांक तो आप जान ही रहे हो, मैं पढ़ाया हूँ बेसिक। 6 से विभाज्य हैं मतलब ऐसे प्रथम धन पूर्णांक का योग बताना है, लेकिन वो कितने? 40, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 40 जो 6 से विभाज्य हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, आप लिख लो इधर, यहाँ पर हल लिखिए, आप लिखिए क्या लिखेंगे? प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य हैं, प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य हैं, 6 से विभाज्य हैं, समझना, ऐसे डैश कर दीजिए। देखिए पहला पूर्णांक हो जाएगा जो 6 से विभाज्य है वो 6 हो जाएगा, दूसरा 12 हो जाएगा, तीसरा 18 हो जाएगा, फिर 24, ऐसे डाट 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 कितने करने हैं भैया? हमें 40 निकालने हैं। ये 6 से सभी विभाज्य हैं जितना मैंने लिखा, मतलब एक प्रकार से आपको 6 का टेबल लिख देना है। हमें इन सब का क्या करना है? योग ज्ञात करना है। कितने तक? 40 तक। आप सोचो अगर 6 दहमा आप यहाँ पर 60 भी कर दोगे तब भी 10 ही निकला, हमें 40 का निकालना है। तो ये हम इतना कर देंगे, ठीक है? अब आपका ये एक सीरीज बन जा रहा है। देखो इसमें सर्वांतर 6 आ रहा है ना, तो यहाँ पे आप लिखोगे ए बराबर 6, डी बराबर 6, भाई सीधी सी बात है डी भी इसमें 6 है। एन बराबर कितना हो जाएगा जरा ध्यान देना, तो प्यारे साथियों एन बराबर 40 हो जाएगा, क्योंकि हमें 40 धन पूर्णांकों का जो है वो योग निकालना है। तो पदों की संख्या कितनी होगी? 40, इतना हमें पता हो गया, हमें योग निकालना है। तो भाई सीधी सी बात है, एक सूत्र होता है सिंपल वाला, इसी को रख दो। ये एस एन बराबर होता है ना, एन अपान 2 और ए प्लस एल, यानी जब हमें अंतिम पद दिया गया हो यहाँ से हम इसे कर सकते हैं। अंतिम पद हमें दिया है क्या? नहीं दिया है, हमें ये दिया है कि कुल 40 पद हैं लेकिन अंतिम पद नहीं दिया है। तो इसका एक और भी सूत्र होता है, वो ध्यान देना, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ साथियों। एक सूत्र होता है इसका योग वाला, ये होता है, आप लोगों को अच्छे से पता है ना, ये पता है ना बच्चा,
ये फार्मूला मैं कई बार पढ़ाया हूँ, आप लोगों को अच्छे से मालूम है। तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज हमें ए का मान पता है, एन का मान पता है, डी का मान पता है, हमारा एस एन आ जाएगा, है ना। चलिए इस फार्मूले में हम रख देते हैं, ये क्वेश्चन मैं स्क्रीन से हटा देता हूँ, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो ये फार्मूला नहीं लगेगा इसमें क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग सुटेबल नहीं है, ठीक है, उसी में मान रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और जहाँ लिखा है वहीं रख दीजिए। एन का मान 40 दिया है तो ये 40 हो जाएगा, यहाँ पर भी ये 40 बटा 2, ध्यान देना 2 इंटू ए, ए का मान 6, एन का मान 40 माइनस 1 इंटू 6, इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 20 हो गया, समझना, ये 12 हो गया, और ये प्लस, इसमें से घटाओगे 39 आएगा, 39 में आप गुणा कर दो भैया, किसका 39 में 6 का गुणा कर दो, तो 6 नवाई 54 हासिल 5, और 6 त्रिक 18 5, 18 दू 20 3 23, 234, देखो सही है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 234 में आप इसे जोड़ोगे तो भैया 234 10 44 2 46 246, आप 20 का गुणा कर लीजिए तो आपका यस 40 आ गया, 40 पदों का जो योगफल है वो आपका आ गया, गुणा कर लीजिए, जीरो आप उतार लीजिए, दो छंग 12 हासिल 1, दो चौक 8 एक 9, दो एक कम 2, यानी 29120 आपका क्या आ गया, 40 पदों का योगफल आ गया। लेकिन गलत लग रहा है मुझे ये गलत लग रहा है, कैसे, एक बार फिर से देखिए, जीरो तो उतार लिया, ठीक है, दो का गुणा करा, दो छंग 12 2 हासिल 1, दो चौक 8 एक 9, और दो दुना ये 4 होगा, सॉरी हाँ ये कितना होगा 4, तभी तो मैंने सोचा कि 40 पदों का योग इतना कम कैसे आ। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए, जल्दी करिए, मैं सामने से हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, चलो ठीक है, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, चलो हो गया, सोल्यूशन तो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, इधर साइड मैंने कुछ तो लिखा थोड़ी ज़्यादा, ये देख लो, इधर तो मैंने श्रेणी लिखा था बस, आगे चलें, इसको मिटाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई दिखाओ स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ध्यान दीजिए, मैंने टाइम दिया आपको बहुत लिखने के लिए, 13 नंबर देखिए, 13 नंबर क्या कह रहा है, आप पढ़ो ध्यान से, नीचे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, अब मुझे ये बताओ ये बिल्कुल इसी तरह से है कि नहीं, सेम टू सेम है ना, इसमें कोई अंतर नहीं है ना भैया, जहाँ इसमें 40 निकालना था बाबू, वहीं इसमें कह रहा कि 8 के प्रथम 15, भाई इसमें प्रथम 40 कह रहा था, उसमें प्रथम 15 का कह रहा है, तो आप श्रेणी बना लो, 8 16 24 32, ऐसे क्या बन जाएगा, एक सीरीज बन जाएगा, और फटाफट उसमें सारे मान ला ला के पटक दो, हो गया। तो ये तो मुझे नहीं लगता बताने लायक है, जैसे इसमें सीरीज बना था वैसे इसमें बन जाएगा, आप लोग कर लोगे ना, बोलो भैया कर लोगे ना। चलो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर स्क्रीन पे देखिए, नीचे दिख रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, शून्य से लेकर 50 तक की कितनी विषम संख्याएं होंगी, इन सब का हिसाब पहले मुझे बताओ। चलो 0 से 50 के बीच की, तो यहां पर हल में आप लिखो सबसे पहले 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं, के बीच की विषम संख्याएं लिखो, जीरो के बाद एक आता जो कि विषम है, तीन विषम है, 5 7 डॉट 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 डॉट, आप ये देखो कि हमें 50 के पहले ही लेना है तो 49 होगा, भाई सीधी सी बात है, 0 और 50 के बीच का निकालना है तो 0 के बाद 1 आता है, 50 के पहले 49 आता है, 49 भी विषम है, 1 भी विषम है, तो ये आपका सीरीज बन गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखना बच्चा, समझना, यहाँ से हम क्या क्या निकालेंगे बाबू, थोड़ा समझना, यहाँ से हम ए का मान निकालेंगे 1 आ गया, अब डी का मान निकाल के देखो, सब में से घटाओगे 2 आएगा, लास्ट वाला जो है वो पद भी दिया है, कुल टोटल कितने पद होंगे आप ये बताओ भैया, आधी संख्या सम होती है आधी भी सम होती है, तो टोटल तो 25 पद होंगे मुझे जहाँ तक पता है, कितने होंगे 25 होंगे ना, और आपको अंतिम पद दिया है, अंतिम पद मतलब आपको ए एन दिया है 49, हमें लग रहा है कि इसमें लगभग बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, बस अब आपको सूत्र में रख देना है, ठीक है, सूत्र में रख दोगे ना, चलो फटाफट किताब खोल लो सभी,
चलो फार्मूला लगाओ फटाफट, कौन सा? अरे भाई ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सूत्र लगा लो, यहाँ से एन का मान आ गया। पूछा क्या था? विषम संख्याओं का योग ना। पहले तो आप एन निकाल लो कि कुल पदों की संख्या है कितनी। वैसे कुल पदों की संख्या तो 25 है, लेकिन मैं निकालने का तरीका बता देता हूँ जो लॉजिक तरीका है, बाकी तो सोच के हर जगह नहीं हो पाएगा ना। देखो अगर आप 10 तक की संख्या लेते हो, यहाँ पे एक चीज़ समझ लो मैं समझा रहा हूँ। देखो बेटा अगर 10 तक लेते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ एक चीज़ समझना, 10 तक में जो विषम संख्या कितनी होती पता तुम्हें? 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या विषम है, 5 सम है। तो उसी तरह से जो 50 तक का अगर लेंगे तो उसमें 25 संख्या सम होगी, 25 विषम होगी। तो यहाँ पर जो n का मान है बेटा वो 25 आएगा। लेकिन ये छोटा क्वेश्चन है, हम लोग का दिमाग काम कर रहा है तो हम n का मान तो निकाल ले रहे हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन बड़ा आ गया लाखों में हजारों में तो नहीं कर पाओगे। हाँ तो इस तरह से मैं आपको दोनों तरीका बता दूंगा, ठीक है? यहाँ से मैं आपको n निकालने का तरीका बता रहा हूँ, सूत्र लिख लीजिए n निकालने का तरीका। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो कि सूत्र के माध्यम से होगा, बाकी डायरेक्टली तो मैं आपको निकाल के दिखा सकता हूँ, कोई बात नहीं। चलो ए एन का मान 49 दिया है, ए का मान 1 दिया है, एन का मान हमें निकालना है इंटू डी, डी का मान 2 दिया है। तो 49 ये 1 इधर आ जाएगा, ठीक है, इक्वल एन माइनस 1। आप इनका मल्टीपल कर लो भैया 2 का, तो ये 2n-2, ये 48 हो गया, और 2 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा इक्वल 2n, तो ये 50 हो जाएगा। और नीचे नहीं दिख रहा, मैं क्वेश्चन हटा देता हूँ, आप घबराया ना करो बिल्कुल भी, बिल्कुल घबराया ना करो। ये 2 इधर आएगा, भाग में हो जाएगा इक्वल n, आपको पता ये कट जाएगा बेटा, 25 आएगा। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं चुपके से n बराबर 25, n का मान कितना आ गया 25, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हाल इज बेल ना। चलिए ये n का मान हो गया, अब मैं इसे मिटा दूं अगर आप लोग कहो तो, नहीं कहो तो चलो ऐसे इसी में मान निकाल लो। वैसे तो ये मान तुम डायरेक्ट भी n का रख सकते थे, 25 आता जैसे मैं बताया था, लेकिन ये तरीका भी लगा देना, एग्जामिनर और खुश हो जाएगा। चलिए कह रहा था कि इन सभी का क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। योगफल वाला सूत्र लगा लो, अंतिम पद दिया है तो अंतिम पद वाला जो होता है ये SN बराबर होता नहीं है n अपॉन 2 ए प्लस एल, ठीक है, अच्छा लग रहा है। एन का मान 25 आया बटा 2, ए का मान 1 प्लस एल का मान 49, ठीक है, सुंदर है। 25 बटा 2 ये 50, 2 से काट दो बेटा, 25 आ गया, 25 का 25 में पूरा कर लिया, 625 आ गया, यानी यस और टोटल पद 25 है तो 25, यस 25 का मान 625 आ गया। ये हो गया ना आपका आंसर, आप लीजिए फटाफट लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अबकी बार मैंने जुगाड़ से लिखा, अबकी बार मैंने देखो अपने को खड़ा होने की जगह छोड़ा है ना, ये भी फोटो आनी चाहिए। चलो जल्दी करो, हो गया। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 12 से 14 तक हो गए। इसकी अगली क्लास में मैंने कुछ होमवर्क छोड़ा है, उसके अलावा मैंने 16 बताया है आपको, 18 बताया है, जो बीच में छोड़ रहे हैं उसे खुद से कोशिश करिए, एग्जाम में मेहनत करिए, तभी कुछ होने वाला है। और सुबह के टाइम ठंडी शुरू हो गई, स्वेटर वगैरह पहनना शुरू कर दीजिए, हाँ, लाज शर्म के मारा अंदर में ठुठुरिए नहीं, क्योंकि सुबह सुबह जब 5 बजे क्लास होती है ठंडी लगती है। हमें भी बहुत लोग सवाल करते हैं, मजा लेते हैं, क्या ठंडी लग रही है? हाँ मुझे लग रही, मुझे लग रही, मैं पहना हूँ, तुम्हें क्या दर्द हो रही, तुम भी पहन लो, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, बहुत बहुत थैंक यू। तो बच्चों डेली टाइम याद रखिए 5 बजे, और क्लास को पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री सब पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर आप लोग शेयर नहीं करते हो तो अंदर से बहुत तकलीफ होती है, ठीक है। तो क्लास को शेयर करिए, मेरे पीछे कुछ नहीं छुपा है, जो लिखा हूँ मैं सब सामने दिख रहा है, कुछ छुपा नहीं है। चलिए थैंक यू। एक्सरसाइज आपका 5.3 है, जैसे कि आपको मालूम है कि इस समय समांतर श्रेणी चल रहा है, और आज आपकी लास्ट क्लास होनी थी, लेकिन बच्चों ने बहुत सारे रिवीजन क्वेश्चन करवाने को बोले हैं, इस वजह से हो सकता है कि आज ना ख़त्म हो, नहीं तो आज आपका ये समांतर श्रेणी ख़त्म हो जा रहा है। एक बात मैं आपको और बता दूं, चैप्टर 6 और 7 पहले ही पढ़ा दिया मैंने, उसका भी फिलहाल, लेकिन हम आपको रिवीजन करवा देंगे, बाकी तो मैं पढ़ा चुका हूँ। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर। किसी को कोई अगर बात कहनी है तो आप कमेंट करिए, यहाँ याद रखिए ये एक्सरसाइज 5.3 है,
ठीक है, क्लास टेंथ मैथ्स, वैसे तो ये एनसीईआरटी मैथ्स है। तो शिव कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूनम जी जुड़ चुकी हैं, धीरज कुमार जुड़े हुए हैं, और प्रभाकर कुमार और रोशन यादव, सभी का बहुत बहुत वेलकम बच्चे। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। कह रहा कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें ये नहीं पता कि पुरस्कार की राशि कितना रुपया रखी गई है। टोटल तो रखी गई है बता रहा है, लेकिन एक पुरस्कार का अमाउंट कितना है ये नहीं पता है। तो क्या करेंगे हम इसमें, हमें ये तो पता होना चाहिए कि आखिर पहला पुरस्कार कितने रुपये का है, दूसरा कितने का है, तीसरा कितने का है, तभी तो कुछ होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, मानेंगे, माना पहला पुरस्कार राशि, फिर दूसरा पुरस्कार राशि, ऐसे ऐसे हम लोग मानते चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग लिखिए। प्रश्न को मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा साइड में करके, आप लोगों को मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप ये नीचे देखिए, छोटा मैंने कर दिया है। चलिए हल करते हैं। यहाँ साइड में हम लिखेंगे माना पहला पुरस्कार राशि, पहला पुरस्कार राशि बराबर, भाई कुछ तो मानेंगे ना, 100 रुपये। अब ध्यान देना प्रश्न में क्या कह रहा है बेटा, स्क्रीन पे नीचे क्वेश्चन दिख रहा है, मैंने छोटा कर दिया है फिर भी दिख रहा है। कह रहा है कि प्रत्येक जो पुरस्कार राशि है वो अपने से ठीक पहले पुरस्कार राशि से 20 रुपये कम है। मतलब समझना क्या कह रहा है, मतलब पहला जो पुरस्कार राशि है अगर वो 40 है तो दूसरा क्या है, सिर्फ 20 है, क्योंकि उससे 20 कम है। और जब अगला अगर 20 है तो अगला क्या है, तो 0 हो जाएगा। लेकिन इतना छोटा पुरस्कार राशि नहीं रखा गया होगा, 40 रुपये थोड़ी रखा जाएगा। हाँ चलो देखो, पहला पुरस्कार राशि 100 रुपये, माना दूसरा पुरस्कार राशि बराबर 100 - 20 रुपये। समझना, पहला पुरस्कार राशि मैंने 100 माना तो दूसरा 100 - 20 रुपये होगा, फिर तीसरा क्या होगा भैया, तीसरा 100 - 40 रुपये होगा। क्यों, क्योंकि 100 - 20 से आप 20 और कम कर दोगे। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। रवि रंजन, आशीष चौधरी गुड मॉर्निंग, जयप्रकाश हरिजन सभी को गुड मॉर्निंग। कमेंट पे ध्यान नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो बच्चा। ठीक है, तो इस तरह से आपके 3 पुरस्कार राशि हो गए, 7 पुरस्कार राशि की बात की गई थी। आप ऐसे चौथा मान लो, पांचवा मान लो, ऐसे सब मान सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नीचे लिखोगे अतः श्रेणी बराबर, भाई एक श्रेणी बन जा रही ना अभी, यक्ष यक्ष माइनस 20, यक्ष माइनस 40, ऐसे यक्ष माइनस 60, यक्ष माइनस 80, ऐसे ही एक श्रेणी बन जाएगी 7 पुरस्कार राशि की, जो कि एक दूसरे से क्या होंगे, एक दूसरे से 20 कम होंगे। लेकिन अब इससे तो काम नहीं चलने वाला कि ये श्रेणी बन गई तो इससे कुछ होने वाला है। हम इनमें से जब तक यक्ष के मान नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि वो पुरस्कार राशि कितना रुपए थी। ठीक है, तो चलिए फिर वो भी करने का जुगाड़ लगा लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या क्या दिया है भैया, अगर ये श्रेणी है तो यहाँ पर ए बराबर यक्ष हो गया, क्योंकि पहला पद ए है। टी का मान निकाल लो बाबू, दूसरे पद से पहला पद घटाते हैं, तीसरे से दूसरा घटाते हैं, चौथे से तीसरा घटाते हैं, डी का मान आता है, घटा के देख लो। वैसे ये श्रेणी है तो डी का मान तो आएगा ही, यक्ष माइनस 20 माइनस यक्ष, मतलब मैंने क्या किया, दूसरा पद से पहला पद घटाया।
अब ब्रैकेट खोलोगे, आप सबको पता है कि यक्स से यक्स हट जाएगा, कट जाएगा, घट जाएगा, तो डी का मान -20 आएगा। यानी ए का मान आ गया बच्चा, डी का मान आ गया बाबू, बहुत ध्यान से समझना। आशीष जी ये क्लास सुबह 5 बजे लाइव होती है, आप लोग सुबह उठ जाया करो सो करके, बाकी आप चाहे जब देखो दिन में क्लास पड़ी रहती है लेकिन सुबह 5 बजे लाइव होती है। आज थोड़ा देर हुआ है, सॉरी आज थोड़ा लेट हुआ है। ये हो गया, देखो इसमें 7 पुरस्कार राशि देने की बात कही है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो बच्चा जो पदों की संख्या कितनी है, भाई सीधी सी बात है 7 है, क्योंकि 7 है पुरस्कार राशि के बारे में बात हो रही है। तो यानी यहाँ पर हमें यन का मान भी दिया है, यन बराबर कितना दिया है 7, जो जो दिया मैंने लिख लिया। अब ध्यान देना, अब क्या करेंगे हम एक बार फिर से प्रश्न को देखेंगे, इतना देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो मैं क्वेश्चन फिर से दिखाऊंगा। हो गया, अब क्वेश्चन एक बार फिर से देखो स्क्रीन पे, बड़ा बड़ा देखो भाई, बड़ा बड़ा देखो, फिर से देखो। कह रहा किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 पुरस्कार राशि, 7 नगद पुरस्कार राशि देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। भैया टोटल राशि 700 रुपये है, टोटल मतलब सम दिया है टोटल सभी का, यानी हम क्या करेंगे इस श्रेणी का योगफल निकालेंगे, क्योंकि हमें जो पुरस्कार राशि है उसका सम दिया है, उसका योग दिया है 700। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन अब नीचे देखिए, मैं छोटा कर देता हूँ और चलो फटाफट आ जाओ, इसको मिटा रहा हूँ। हाँ समझो, किसी को कोई डाउट है तो बता दो फिर, समझ में आ रहा ना, इतना हो गया। चलिए अब हम योग निकाल लेंगे बेटा, पहले मैंने जहां तक लिखा था वहां तक लिख लेना, लिखने के बाद फिर ये ऊपर वाला लिखना। अगर सिस्टम से पढ़ोगे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो पूरी गारंटी है आप पूरे पूरे पूर्णांक हासिल करोगे, 100 में 100 नंबर मैथमेटिक्स में मिलता है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन सिस्टम से लिखोगे तब, सिर्फ उत्तर देने से परीक्षा में पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। योगफल का 2 सूत्र होता है, यस एन इक्वल एन अपान 2 और ये आपका एक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना, और एक होता है a प्लस l जिसमें अंतिम पद दिया होता है। इसमें हमें अंतिम पद तो पता नहीं है इसलिए हम उस फार्मूले को नहीं लगाएंगे, इस सम वाले को लगाएंगे। ये आपका श्रेणी का योगफल का सूत्र है, आरके स्टूडियो। आ रहा समझ में, सारे मान इसमें ला के रख दो तो यस 7 हो जाएगा बेटा, ये यस 7 इक्वल 7 अपान 2 और 2 इंटू ए का मान यक्स दिया था, एन का मान 7 माइनस 1 इंटू डी का मान -20 दिया था। एक बात ध्यान देना, मैंने यहां पर जो नहीं लिखा था बेटा, यस 7 का मान 700 दिया है, क्यों भैया दिया था कि ना, दिया था ना, क्योंकि कह रहा था कि टोटल सभी पुरस्कार राशि का जो योग है 700 रुपये है, तो ये 700 दिया था, ये हम 700 रख देंगे, कल 7/2 समझते चलना। ये 2x ये घटेगा, 6 आएगा, 6 का 20 में गुणा करोगे बच्चा -20 में, -120 आएगा, समझते चलना, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इतना क्लियर है, चलिए ये मैं अभी तक आपको दिखा रहा था नीचे जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आपका काम हो गया इसलिए मैं मिटा दिया। हमारे जितने भी साथी जुड़े हैं वो क्लास को बाबू लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है, लाइक शेयर करते हो ना बड़ा मोटिवेशन मिलता है। चलो ये 700 7/2 इसमें अंदर में गुणा कर लो तो ये 2x भाई इसका गुणा कर लिया, कोष्टक खोलेंगे बीच में माइनस है, ठीक है, 7/2 का गुणा 20 में भी करेंगे 120, ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से कट गया, ये 60 आ गया। तो समझते चलना, ये 7 का x में गुणा होगा भैया 7x
माइनस सात का छः में गुणा होगा 420। नरेश विश्वकर्मा टी सीरीज, ठीक है बेटा, बहुत अच्छा। तो ये 700 ऐसे रहेगा, ये माइनस का 420 इधर आएगा, तो ये प्लस का 420 करेगा और ये 7x। अब मैं वहाँ साइड में हल कर देता हूँ, यहाँ पे देखो दिख रहा है क्लियर, ये दोनों जुड़ जाएगा बच्चा, 1120 बराबर 7x। तो 1120 ये काट दोगे, 7 एकम 7, 7 6 42 0, यानी x का मान कितना आ गया 160। इसमें किसी को कोई समस्या? क्वेश्चन नीचे दिख रहा है, थोड़ा इंटरनेट डिसमिस हो रहा था, डिस्कनेक्ट हो रहा था। सोनू चौरसिया समझ में आ रहा है, प्रिया सिंह समझ में आ रहा है, मंजीत कुमार, अर्पित, प्रियांशु, सभी को समझ में आ रहा है। चलो तो यक्स का मान 60 रुपये आ गया, इतना आप लिख लिए होंगे, मैं मिटा रहा हूँ। देखो भैया स्टेप बाय स्टेप लिखते चलो बाबू, तभी मज़ा आएगा, नहीं तो ऐसे मज़ा नहीं आता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप लिखते चलोगे तभी समझ में आएगा, जो बच्चा देर में जुड़ा होगा उसे कम समझ में आ रहा होगा क्योंकि शुरू से नहीं पढ़ा वो। 5 बजे मैं शुरू कर देता हूँ क्लास। अब आप लिखोगे अतः पहली पुरस्कार राशि यक्स बराबर 160 रुपया। पहली पुरस्कार राशि कितना है 160 रुपये। दूसरी पुरस्कार राशि कितना हो जाएगी, दूसरी पुरस्कार राशि कितना थी एक्स माइनस 20 रुपया थी ना बच्चा, तो दूसरी पुरस्कार राशि लिख लो, एक्स माइनस 20 थी तो दूसरी भी निकाल लो, रोका किसने है। एक्स का मान 160 माइनस 20 बराबर 140 रुपया। तीसरी कितना होगा रिंकू पंचाल आप बताओ, तीसरी पुरस्कार राशि कितने होगी, ये रुपया लिखा हूं थोड़ा अच्छा सा लिख लो, आप मुझे बताओ तीसरी पुरस्कार राशि कितना होगा बेटा, जल्दी बताओ। तीसरी पुरस्कार राशि, पुरस्कार राशि एक्स माइनस 40 था ना, अभी सीरीज बनी थी, देखे थे ना तुम लोग शुरू में, तो बेटा ये हो जाएगा यक्स का मान 160 माइनस 40 120 रुपया। इसी तरह से चौथी पुरस्कार राशि यक्स माइनस 60 यानी 160 माइनस 60 बराबर 100 रुपया। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कितनी निकालना है, हाँ सब क्लियर है बेटा, चलो 7 निकालना है, 7 निकालना है। पांचवी पुरस्कार राशि यक्स माइनस 80 बराबर 160 माइनस 80 बराबर 80 रुपया, ठीक है। नागेश विश्वकर्मा, अर्पित गेमर, देखो बेटा जो देर में आया उसे ना समझ में आएगा, आप एक बार रिवाइज कर लेना अभी, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेना अभी। इसी तरह से छठी पुरस्कार राशि यक्स माइनस 100, नहीं यार कुछ मिस्टेक मार रहा है का ये, नहीं सही है, तो 160 माइनस 100 बराबर 60 रुपया। सातवीं, भाई हमें 7 निकालना था ना, पुरस्कार राशि एक्स माइनस 120 बराबर 160 माइनस 120 बराबर 40 रुपया, यानी जो सातवीं पुरस्कार राशि पाया वो सबसे कम पाया, ठीक है। देखो जो लेट में आया था टेंशन मत लेना, मैं सामने से हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का PPR स्टडी में। तो बच्चों आपकी क्लास शुरू हो चुकी है सुबह के 5 बजे, जैसा कि आपको पता है इस समय क्लास 10th की क्लास चल रही है, ये मैथमेटिक्स।
क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखना, आज आपका ये एक्सरसाइज 5.3 खत्म हो जाएगा, इसमें का सिर्फ एक क्वेश्चन बचेगा बस, यानी आपका आज से समांतर श्रेणी खत्म हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड हो गया। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा, ध्यान दीजिए, पढ़िए क्या कहता है। कह रहा कि केंद्र ए से, ये क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 जो लिखा है वो क्वेश्चन का नंबर है, नहीं तो उसको उसमें मत मिलाना क्वेश्चन में, ठीक है। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.50 सेंटीमीटर, 1.50 बोलो या 1.5 बोलो, मतलब एक है, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सफल बनाया गया है, एक सफल बनाया गया है। साथियों ये थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा टाइपिंग में हुआ है, एक सर्पिल बनाया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, जहाँ पे वहाँ पे लिखा है सफल बनाया गया है, वहाँ पे क्या होगा, एक सर्पिल बनाया गया है। अभी मैं वो सर्पिल दिखाऊंगा, ध्यान देना, यहाँ पे सफल नहीं बल्कि सर्पिल होगा, ठीक है। कह रहा है जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है, 13 क्रमागत अर्धवृत्त से बने इस सर्पिल की लंबाई क्या है। नीचे चित्र में कहाँ दिखाया गया है वो आपको नहीं दिख रहा है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखो फिगर, आप ध्यान दो, ये सर्पिल है, इसी को सर्पिल कहा जाता है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। वैसे मैं एक बार बता दूं कैसे बनेगा, ऐसे इसमें देखिए अर्धवृत्त बने हैं बच्चा, तीन, तीनों अलग अलग कलर में हैं, आपको समझने के लिए। आप अगर ध्यान से देखो तो जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है जहाँ पे ए भी लिखा है, वो एक अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का मतलब ये होता है जैसे एक सर्कल बनता है, इसको आधा बीच से काट दो तो जो ये आधा बचता है वो क्या है, अर्धवृत्त है, जानते हो कि नहीं। तो उसी तरह से अगर आप देखो तो ब्लू कलर वाला, नीले कलर वाला जहाँ पर ए भी लिखा है वो एक अर्धवृत्त है, ऑरेंज कलर वाला जहाँ पर L2 लिखा है वो भी क्या है, एक अर्धवृत्त है, ऊपर जो हरे कलर का है, ग्रीन कलर का, जहाँ पर L1 लिखा है वो भी क्या है, एक अर्धवृत्त है। ये तीन अर्धवृत्त दिए गए हैं और जो ये आकृति पूरा बनी है इसको सर्पिल कहा गया है, ठीक है। कैसे बनी है जरा ध्यान देना, ये कुछ ऐसे बनी है। अगर यहाँ से ये इसको हम शुरू करते हैं, मान लेते हैं ऐसे, जैसे कह रहा कि केंद्र ए, मतलब ए को केंद्र मानने को बोल रहा है, तो मान लो कि ए यहाँ पे है, तो ये ऐसे बनी है ना, ऐसे 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 ही तो घूमी है ना ये बार बार। आगे समझना, इस क्वेश्चन को सिर्फ समझना है बस, बाकी इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा। अगर आप समझ गए तो इसको बड़े प्यार से कर लेंगे, और नहीं समझ पाए तो फिर आपके लिए मुसीबत हो सकता है। और चूंकि आपके एग्जाम में ये पूछा गया एक आध दो बार, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, ये पूछा भी जा सकता है अच्छे क्वेश्चन में, क्योंकि जो समझदार बच्चा है वही इसको करेगा, हर कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। आसान है, बहुत आसान है, लेकिन समझना है। देखिए अब हमें क्या करना है, आप अगर अपनी किताब में देखो NCERT लिए हो तो बच्चा उसमें दिया है कि केंद्रों ए बी, ए बी वाले अर्धवृत्तों की लंबाइयां जो हैं L1 L2 L3 L4 हैं, ये संकेत दिया गया, मान लेना इसे, ठीक है। तो लंबाइयां तो फिलहाल वहां पे आप देखो स्क्रीन पे मैंने आपको दिखाया है, ये ब्लू कलर में और ग्रीन कलर में ऑरेंज कलर में लिखा ना L1 L2 L3, तो वो लंबाइयां आपको अलग अलग मैंने पहले से बता दिया है, ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन में कह रहा है कि केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब समझना, मुझे यहाँ पे फिगर बना के एक बार आपको बताना ही पड़ेगा। यहाँ मैं बना सकता हूँ ना, यहाँ पे मैं बना सकता हूँ, आप बातें समझ गए हो तो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, ठीक है, समझना। मैं छोटा बनाऊंगा, बहुत बड़ा नहीं बनाऊंगा। यहाँ पे मैंने अगर ए मान लिया, अब देखना समझना आप, तो ये आपका एक बन गया, तो आपका देखो यहाँ पे बन रहा है ना, हाँ ये, और मैं इसको ऐसे ले जाऊंगा और ऐसे नीचे दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना किसी को, नो प्रॉब्लम। चलो अब समझना, तो साथियों यहाँ पर एक चीज़ आपको देखना है, जो आपका ऊपर साइड में बन रहा है, ऊपर साइड में ये जो येलो कलर वाला है, इसमें अगर आप देखो तो ये R बराबर 0.5 है, कितना है R बराबर 0.5 है, यहाँ पे लिख लेना, हम यहाँ पे जगह नहीं है मेरे में, यहाँ पे जो येलो कलर का दिख रहा है आपको फिगर में, पीला कलर का, वो कितना है R बराबर 0.5 है, यानी उस अर्धवृत्त का जो त्रिज्या है कितना, 0.5 सेंटीमीटर है। आगे देखना, अगला ध्यान देना, अगला क्या था, 1 था ना, 1 किसका है पता है आपको, जो नीचे आपको ब्लू कलर का दिख रहा है स्क्रीन पे, नीले कलर का जहाँ पे ए भी लिखा है, तो बेटा ये वाला, ये
इसका कितना है पता है तुम्हें? इसका आर बराबर कितना है? 1.0। ये दिया है चित्र में, देखो दिया है ना। इसके अलावा अगला डेढ़ है, 1.5। कौन सा? जो ग्रीन कलर का आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ग्रीन कलर का मतलब ये दिख रहा है स्क्रीन में, ये हाँ, ये कितना है आर? 1.5। और एक जो ऑरेंज कलर का सबसे बड़ा वाला है आपकी स्क्रीन पे, देखो ऑरेंज कलर में मैंने दिखाया है, वो कितना है? वो आर बराबर 2.0 है। ये क्या है? त्रिज्याएं दी गई हैं, यानी हमें क्या दिया? रेडियस दिया है और इनकी लंबाइयां दी गई हैं अलग अलग। अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो जो पीले कलर का गोला है छोटा सा इतना, उसके ऊपर L1 लिखा है, ठीक है। मतलब ये परिधि इसकी कितनी है? L1 है, ठीक है। और सॉरी परिधि नहीं, इसकी लंबाई है वो, ठीक है। क्या है? लंबाई है। परिधि तो अभी हम निकालेंगे, परिधि को इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो ये चीज़ें दिया गया है, अब हम क्या करेंगे? अब हम सरकमफ्रेंस वाले सूत्र में रख देंगे। अगर हमें त्रिज्या दी गई है, सबको पता है वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr होती है, क्योंकि यहाँ पे वृत्त है नहीं, यहाँ पे अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त को इंग्लिश में सेमी सर्कल बोलते हैं। तो आप सेमी सर्कल का फार्मूला लगाओगे, यहाँ पे आप लिखो सरकमफ्रेंस हाफ सेमी सर्कल, यहाँ पे आप लिखिए ऊपर साइड में, या अर्धवृत्त की परिधि बराबर, ठीक है। अर्धवृत्त की परिधि बराबर, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे, क्या लिखेंगे इंग्लिश वाले? ध्यान देना, मैं दोनों में बता रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे बेटा सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त और सरकमफ्रेंस मतलब होता परिधि, ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल ये क्या होता है? ये होता है 2πr। अब सभी को पता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, ये वृत्त की परिधि का सूत्र है वास्तव में, ठीक है। जो मैंने लिखा है ये वृत्त की परिधि का सूत्र है, सरकमफ्रेंस का है, लेकिन यहाँ अर्धवृत्त की बात हो रही, सेमी सर्कल की, तो इसको आधा कर देंगे, ठीक है। तो फाइनल में हमारा जो सूत्र बनेगा वो पाई आर बनेगा। क्या बनेगा? पाई आर। अब मैं क्वेश्चन हटा दूंगा अब स्क्रीन से, अब आपको समझना है, केवल केवल और केवल समझना है, फिर मैं क्वेश्चन बाद में फिर से दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में, देखो। तो अब समझना बच्चा, यहाँ पे क्या क्या समझना है? अब हम L1 निकाल लेंगे पहले, ठीक है। L1 बराबर, आपको पता है कि अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो पाई आर इसका सूत्र होता है। तो L1 निकालने का मतलब ये है क्या? ये जो, अब मैं फिर आपको एक बार दिखाऊंगा, बिना दिखाए होगा नहीं। क्वेश्चन कहाँ गया? L1 निकालने के लिए आप मतलब जान रहे हो, L1 का मतलब ये, आप चित्र देखो जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है क्लियर। तो जो येलो कलर का आपको थोड़ा सा अर्धवृत्त दिख रहा है, जहाँ मैं टच कर रहा हूँ, अपना स्क्रीन देखो आप, जो मैं फिगर दिखाया हूँ उसके ऊपर देखो L1 लिखा है ना, L1 लिखा है। इसका मतलब हमें ये लंबाई निकालना है, ये जहाँ मेरा मार्कर चल रहा है ये, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? अर्धवृत्त की परिधि निकालनी है, सूत्र लगाएंगे पाई आर। तो पाई का मान जो है वो कहाँ रहा है आपको फिगर में देखो, कि आपको 22/7 यूज करना है, लेकिन अभी नहीं, जहाँ काम लगेगा आगे। तो यहाँ पे पाई इंटू आर का मान 0.5, ये आपका हो गया पहला। इसी तरह से आप L2 निकालोगे भैया, L2 निकालोगे बाबू, तो ये हो जाएगा 1.0। L2 का मतलब आप स्क्रीन पे अपने देखो, जो ब्लू कलर का सर्कल है नीले कलर का, उसके ऊपर देखो L2 लिखा है ना नीचे साइड में, यानी ये, यानी अब हमें ये निकालना है ये, ठीक है। ये इसके लिए त्रिज्या 1 है, तो ये मैंने रखा है, ठीक है। इसी तरह से L3 निकालोगे, L3 तो पाई इंटू 1.5, त्रिज्या कितना है? डेढ़ है, ये ऊपर वाला है ये। इसी तरह से L4 भी निकाल लोगे, L4 भी निकाल लोगे बेटा, तो ये आपका हो जाएगा 2.0, यानी आपका ये निकालना है, ये नीचे वाला, क्लियर। इसमें किसी को कोई परेशानी हैरानी दिक्कत नहीं ना, चलो। तो ये हो गया। अब इसी तरह से हम कहाँ तक निकालेंगे? आप एक बार फिर से क्वेश्चन देखो, बार बार देखो, एक बार नहीं हजार बार देखो, बिना प्रश्न पढ़े कुछ नहीं होने वाला। क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान दो तो कह रहा है कि 13 कर्मागर्त अर्धवृत्तों से बने इस सर्किल की कुल लंबाई क्या है? सॉरी, यहाँ पे सर्किल नहीं, सर्पिल होगा, जो मैंने अभी दिखाया टाइपिंग में, इन्होंने काफ़ी गलतियाँ किया है। ये सर्पिल होगा, सर्किल नहीं, ठीक है। सर्पिल जो मैंने अभी बनाया था, इसको क्या बोलते हैं? सर्पिल, टोटल जितना बनाइए, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और अंततः आपको मिल जाएगा L
फोर के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 हमें 13 तक निकालना है, तो हम सब तो निकालेंगे नहीं एक तरफ से। अब लास्ट में ये 13 आप अंदाजा लगाओ यहाँ पे आर का मान इसके लिए क्या होगा, जरा सोचो आर का मान इसके लिए क्या होगा, चूंकि इसका तो दिया नहीं है। आप अगर एक चीज़ देखो ऊपर से, नोट करो ध्यान से, तो पहले का निकाला गया तो इसका त्रिज्या करिए, पहले का निकाला गया तो त्रिज्या आधा आई, दूसरे का निकाला गया त्रिज्या एक आई, तीसरे का निकाला गया त्रिज्या डेढ़ आई, चौथे का निकाला गया त्रिज्या दो आई। यानी कहने का ये मतलब है कि जिस पद का निकाला गया है हमने, मतलब यहाँ पे निकाला है क्या अर्धवृत्त, सॉरी अर्धवृत्त नहीं, इसे क्या बोलेंगे परिधि, हाँ जिस भी पद का, मतलब एक प्रकार से ऐसे बोले या कुछ भी आप समझ लो, निकाला गया परिधि, तो उसके लिए त्रिज्या जो है उसका आधा आई है। जैसे दूसरे के लिए 2/1, तीसरे के लिए 3/2, चौथे के लिए 4/2, पहले के लिए 1/2, मतलब 2 से समय भाग हुआ है। तो उसी तरह से 13वें में भी भाग करोगे भैया तो ये हो जाएगा 5 × 13/2, 13/2 का मतलब होता है 6.5, ये इसका हो जाएगा। यहीं से हम अनुमान लगा लेंगे, ये रीजनिंग का क्वेश्चन बन गया है। इतना ठीक है, क्लियर है, मैं स्क्रीन से क्वेश्चन हटाता हूँ, चलिए क्लियर। अब समझना, अब हमें एक प्रकार की सीरीज मिल गई, अब हम ऊपर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं पता है, पर आप लिखो अतः श्रेणी बराबर फटाफट लिखो श्रेणी बराबर, क्या लिखोगे, जितनी भी आई हैं इन सभी सीरीज को यहाँ पे आपको लिख देना है। अतः लिख भी देता हूँ श्रेणी बराबर, तो पहला क्या बना है देख लो भैया, यहाँ पे क्या बना है, पहला बना है जी, अबे गंदा मत लिखो भाई, π × 0.5, दूसरा बना है π × 1.0, तीसरा बना है π × 1.5, दिख रहा है ना, चौथा बना है π × 2.0, इसी तरह से डॉट 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 अनंत तक जा करके, और लास्ट में बना है π × 6.5। समझने की कोशिश करना, ये आपकी एक सीरीज बन गई, सीरीज की ही तो खोज थी हम लोगों को, यही तो मिल नहीं रही थी दुर्भाग्यवश। हाँ अब देखिए हमें 13वां क्या निकालना था, 13वें पद का मान निकालना एक प्रकार से, वही तो लंबाई होगी ना 13वां पद। चलो समझो, अब यहाँ पे इसमें से आप समझो अगर सीरीज बन गई तो ए का मान मिल गया आपको, ए का मान ये पहला पद है, तो पहला पद क्या है π × 0.5, ये पहला पद है। आप देखो कुल 13 पद की बात हो रही है, यानी ए एन भी क्या है 13 दिया है, इसमें डी का कोई काम है नहीं, नहीं तो हम डी भी निकाल लेते, और इसमें एन भी दिया है, ए एन इतना नहीं दिया, ये एन का मान है भाई साहब, कुल पदों की संख्या 13 है ना, ए एन इतना दिया है, देखो ए एन मतलब लास्ट वाला पद ये दिया है। अब हम योगफल वाला सूत्र लगा देंगे समांतर ये श्रेणी के, क्या योग वाला सूत्र लगाएंगे, इधर मिटाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दूं, हो गया क्लियर। चलो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा समझने लायक है, अगर आप समझेंगे तो आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन समझना जरूरी। मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ इसलिए मेरा यूट्यूब पे कैप्शन भी वर्क नहीं कर, सब तेज बोलने पे पकड़ नहीं पाते। चलो तो अब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, एस एन इक्वल एन अपान टू ए प्लस ए एन, या फिर एन लिख लो चाहे जो भी अंतिम पद है, एन का वैल्यू आया है भैया 13, तो ये हो जाएगा आपका 13/2, ए मीन्स π × 0.5 प्लस ए एन का मतलब लास्ट वाला पद, ए एन का मतलब लास्ट वाला पद, लास्ट वाला पद का मतलब है बच्चा ये π × 6.5, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो 13/2, इसमें अगर आप ध्यान दो तो पाई कॉमन हो सकता है, इसमें भी है इसमें भी है, तो एक काम हम करता हूँ, हाँ इसमें पाई कॉमन ले लेता हूँ। अब देखो 0.5 बचेगा और ये 6.5 बचेगा, ठीक है क्लियर। अब समझना ये 13/2 और ये आपका जुड़ेगा तो 7 हो जाएगा भैया, 6.5 में
साढ़े छः में जो पाँच जो आधा जोड़ोगे सात हो जाएगा, और पाई का मान भी रख देते हैं 22/7, पाई का मान भी 22/7। अब ये सात से साठ कट गया क्योंकि 7 ऊपर था, ये 2 से कट गया 11 आ गया, फाइनल में आपका इतना आ गया, गुणा कर लो 13 + 13 = 14 सेंटीमीटर, ये आपका फाइनल आंसर आ गया जिसे बोलते हैं यस 13। अतः आप लिख लो नीचे, अतः क्वेश्चन इतना पहले देख लो फिर मैं लिखवाता हूँ क्या लिखना है। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर से क्वेश्चन दिखाऊंगा लास्ट में, बस फिनिश करूंगा। बहुत जल्दी करिए, समझोगे तभी समझ में आएगा बच्चा, वरना ये समझ में नहीं आने वाला है। क्वेश्चन देखो, नीचे कह रहा था कि 13 कर्मागत अर्धवृत्त से बने इस सर्पिल की लंबाई ज्ञात कीजिए, कुल लंबाई क्या है। यहाँ पे ध्यान देना, माफी चाहते हैं, ये सर्पिल वर्ड है, सर्किल नहीं, हिंदी में सर्पिल, ठीक है। जहाँ जहाँ यहाँ सर्किल लिखा है सर्पिल है, ऊपर एक जगह है और भी सर्पिल नहीं लिखा है, उसकी जगह पे क्या लिखा है ध्यान देना, जब सबसे पहले शुरू शुरू में पढ़ो आप लोग। हाँ कहीं है, यही एक गलत था, ठीक है। हाँ, जहाँ सफल लिखा है, खींचकर एक सफल बनाया गया ना, वहाँ भी सर्पिल होगा, सर्पिल। ये वर्ड थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था इसलिए टाइपिंग में गलती हो गई है, ठीक है। तो सर्पिल की जो टोटल लंबाई कितना होगा, 143 सेंटीमीटर होगा। सर्पिल का मतलब ये है, देखो फिगर पे आप लोग आओ, सर्पिल का मतलब ये कि जो लाइन ऐसे खींचिए ना, मैं दिखा रहा हूँ, जो ऐसे खींचिए ना यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, इसकी टोटल लंबाई की बात हो रही, जो टोटल घूमी है 143 सेंटीमीटर। छात्रों अगर आपका इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, हम उसे ज़रूर बताएंगे। और अगर हमसे आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। और क्लास को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। क्लास का टाइम सुबह 5 बजे से डेली क्लास होती है, आप लोग आया करिए, नाम के पीछे बिल्कुल मत पड़ा करिए। क्लास आपकी चल रही है, आपको मिल रहा है, आपके कमेंट भी आ रहे हैं। सरवन जी आपका कमेंट आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। प्रीति सिंह आपका भी कमेंट आ रहा है। मुकेश कुमार, प्रांजल, अंशु, सुरेंद्र और कौन है भाई, मोहम्मद मेजार, इनका नाम बड़ा अजीब टाइप का है, MD जाहिर, पता नहीं कैसा आ रहा, मुझे क्लियर नहीं हो रहा भाई, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, सॉरी। हाँ, अगला नाम है मोहम्मद इरफान का, ठीक है। और कौन है अभी अभी जो जुड़े हैं, आकृति। देखिए क्लास का टाइम पे आप लोग आया करो, देर में मत आया करो, ठीक है। देर में आओगे तो समझ में नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक यू। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो PVR स्टडी के फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फिर सब्सक्राइब करें यूट्यूब। थैंक यू।